टाटा 207 है, इसका हम FIP पंप फिटिंग करने वाले हैं। डीजल पंप देख रहे हैं, ये खुल गया है पंप, किसी ने सील मार दिया है, टाइमिन इसका आउट हो गया है, तो इसको हम टाइमिन पहले मिलाएंगे। यहाँ इसका पंप रहता है नीचे में, देख रहे हैं जो नीचे खुला है, ये टाइमिन गियर है इसका, इसका हम टाइमिन पहले अच्छा से मिला लेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा पुश रॉड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा एक नंबर पे करना है इसको। हमने सबसे पहले इसका इंजेक्टर या नोजल लगा लेते हैं, नोजल लगा लेते हैं, रॉकेट फिटिंग कर लेते हैं कि हमारा टाइपिंग चेक इन करने में आसान हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक नंबर नोजल के अंदर रोड डाल के आप टॉप कर सकते हैं। उससे पहले हम दिखा देंगे आपको फ्लाई व्हील इसके पीछे। चलिए नोजल फिटिंग कर लेते हैं रॉकर। नोजल फिटिंग हो चुका है, रिटर्निंग पाइप लग चुका है, रॉकर भी टाइट हो चुका है, देख रहे हैं आप। तो अब चलते हैं हम आपके हेड के पीछे, तुरंत आपको टाइमिंग दिखाते हैं। आप बने रहे हैं वीडियो में, देख रहे हैं हेड के जस्ट पीछे नीचे एक गियर हाउसिंग में एक सुराख दिख रहा है, इसके अंदर में एक छोटा सा पिन है, एक कट भी दिख रहा है आपको। वो एक पिन के आगे कट है, उसको सामने सामने एडजस्ट करना है आपको। तो चलिए वीडियो में बने रहे हैं, हम उसको मोबाइल यहाँ पहुँचाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, जगह भी कम बहुत कम है, तो हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल 0 0 एक दिख रहे हैं, 0 है, 1+1 है, तो उसके जस्ट सामने करना है सीधा सीधा टाइमिंग, हमारा एक नंबर पर आ जाएगा। तो आप बने रहें वीडियो में, हम आपको दिखाते हैं। इधर इधर उल्टा उल्टा हल्का सा, बस 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 हो गया। हल्का सा थोड़ा सा हल्का नीचे करना, बस हमारा टाइमिंग सेट हो चुका है। हमारा बिल्कुल जो पिन दिख रहा है फ्लाईव्हील का निशान बिल्कुल सामने सामने एकदम हो चुका है, देख रहे हैं। कैमरे में थोड़ा इधर उधर दिखेगा मगर नज़रों से बिल्कुल सीधा है। अब उसके बाद आप लोग का टाइपिंग चेक कर लेना है। हमारा एक नंबर दो नंबर जो रॉकर है वो बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। हम आपको चलिए दिखाते हैं, उधर जो 7-8 है वो 8 नंबर जाम रहेगा, 7 नंबर थोड़ा फ्री रहेगा। तो हम देखिए, हमारा एक नंबर फ्री है, दो नंबर भी फ्री है, ऐसे आप लोग को चेक कर लेना है। उसके बाद हमारा एक नंबर पिस्टन टॉप में आएगा, एक नंबर फायरिंग पर आएगा, उसके बाद हम पंप दिखाते हैं आपको, पंप कैसे फिटिंग करें। ये हमारा FIP पंप देख रहे हैं, रोटरी पंप है ये, इसको देखिए, ये टाइमिन है इसका, यहाँ भी गियर का निशान पे एक पेंट लगा हुआ है, एक बॉडी पे भी थोड़ा सा कट मारा गया है, तो जस्ट इसके सामने सामने रहता है। अगर प्लेट टायर एडवांस करना है, खुला होगा ढीला होगा, तो इसके हिसाब से आप टाइट कर लें, निशान देख के 3 बोल्ट को टाइट कर लें। अब हमारा पंप फिटिंग हो चुका है, देख रहे हैं, फिटिंग करते समय आपको नहीं दिखाया, जैसे कि अकेले हूँ। तो हमारा ये 10 नंबर बोल्ट 4 के 4 टाइट हो चुका है अच्छा से, यह टाइमिंग भी दिख रहा है आपको। अब डीजल वगैरह पाइप लगा देना है, हमारा पंप को ज़रूर अनलॉक करना है, 10 नंबर बोल्ट दिख रहा है आपको, उसको ढीला कर लेना है 10 नंबर पाना से, देखिए हम ढीला करते हैं उसको, हल्का खुलना, इसको ढीला करके एक छोटा सा पत्ती है उसको लगा लेना है आप लोग को।
मिला, उल्टा लगा, उल्टा ये इसको पत्ती लगाने से ये होता है दोस्त कि हमारा पंप फ्री हो जाता है। ये टब में रहता है एक नंबर पोजीशन पे लॉक करके पंप वाले बना के देते हैं, तो इसको ज़रूर आप अनलॉक कर लें, पत्ती लगा के फिर वापस इसको टाइट कर दें तो हमारा पंप फ्री हो जाएगा। इसके बाद अपना डीजल पाइप जितना है सब लगा लेना है। चलिए हम स्टार्टिंग कंप्लीट हो गया सब, डीजल पंप वगैरह स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा हो गया दोस्त, देख रहे हैं एक सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है। अब इसके ऊपर हम चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा फाइनली ढक लेते हैं। तो हमारा फिर से ये देखिए इंजन पूरा चारों तरफ से कंप्लीट कर लिए हैं ढक, टेबिट कवर वगैरह, एयर क्लीनर वगैरह सब कुछ फिटिंग करके लगा लिए हैं। जो बेल्ट सेल्ट खुला था सब कुछ हम लगा लिए हैं, इसमें कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। चलो स्टार्ट करके चेक करो, मारो सेल। कुर्सी टेबल तोड़ रहा है तो भगाना रे, मारो न्यूट्रल किया है, मारो ना, कहाँ जाएगा आदमी, हट जाओ आगे से। हॉर्न बज रहा है, अरे हरानवा नीचे रहेगा कि इधर रहेगा, आगे लगाओ। एक भी जुड़ा हुआ देख, नहीं जल रहा है, एक तो जल रहा है, एक तो नहीं जल रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, चैनल को बताना वीडियो में कैसा लगा आपको पंप फिटिंग करने का।